self-care आप सब आई होप सब बहुत अच्छे होंगे सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गए हैं आपके अपनी बस दो महीने में शुरू हो जाएंगे और ऐसे दिल जो है ना ऐसा धक धक हो रेला है एग्जैक्टली दो महीने भी नहीं एक महीने पंद्रह बीस दिन कह सकते हो क्योंकि भाई उसके बाद तो जो बम फूटेगा हमारी जिंदगी में क्योंकि बोर्ड्स के पेपर ओ oh माय गॉड बोर्ड्स बोर्ड बोर्ड्स हम सारे साल बोर्ड्स करते रहते हैं और अब तो ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड ने आपकी डेट शीट आउट कर दी थी कर दी है तो भाई टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ क्यों क्योंकि भाई अब हमारे पास सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट तो है नहीं सिर्फ बायो तो पर्टिकुलरली है नहीं जिसे में हमें पढ़ना है हमें तो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं ना वो चाहे बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो चाहे एस एस टी एस एस में तो बहुत बड़ा धमाकेदार सा झटका उन्होंने दिया है सिर्फ तीन दिन की छुट्टी देकर भाई तीन दिन में कौन एस एस कंप्लीट कर पाते है भाई मैं तो उल्टी भी खड़ी होती हूँ तब भी नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ये टाइम टेबल हेल्प करने वाला है तो प्लीज मेक श्योर कर कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सेशन को वॉच आउट करो साथ-साथ में आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को ईज आउट करने के लिए वेदांतु आपके लिए बहुत अच्छा सा एक सरप्राइज लेकर के आया है और वो सरप्राइज है आपका टेस्ट सीरीज भाई ये टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट पेपर्स होने वाले हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए 15 मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है मतलब ये जो आपका पूरा टेस्ट सीरीज का जो पैकेज है आपका ये थाउजेंड रुपीज़ का है लेकिन वेदांतों आपको जीरो रुपीज़ में अवेलेबल करवा रहा है तो उसका जो लिंक है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसको क्लिक करके वो आपसे आपका नंबर पूछेगा मोबाइल नंबर वो डालना है ओ आएगा ओ डालना और रजिस्टर कर लेना सिंपल बस ये लिंक पे रजिस्टर करने के बाद आपको उसी सेम नंबर से उसी सेम नंबर से वेदांतु की जो ऑफिशियल वेबसाइट है डब्ल्यू पे जाना है उसी नंबर को लॉग करना है जब आप लॉग करोगे तो आपको यहां पे सॉरी आपको ना माय टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा सॉरी यहां ये ना फोकस नहीं हो रहा है इस तरीके से सॉरी अब यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ है ना यहां पे आपका ऊपर ना माय टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा इस प्लेस पे इधर पे माय टेस्ट लिखा होगा माय टेस्ट में जब आप जाओगे ना तो यहां पे आपके सारे टेस्ट दिखाई देंगे आपको मैथ्स का बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ दोनों का अवेलेबल है साइंस का एस का इंग्लिश का सबका टेस्ट पेपर अवेलेबल है तीन तीन टेस्ट पेपर अवेलेबल है जिसको आप अटेम्प्ट नाउ करके अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने आंसर की जो कॉपी है वो यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो जिसको आपके टीचर्स पर्सनली चेक करने वाले एंड अगर आपको आंसर्स डाउनलोड डाउनलोड हो तो आंसर भी आप इजीली कर सकते टेस्ट तो पे पे का एक डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा कॉन्टेंट लाइब्रेरी का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा उसी कॉन्टेंट लाइब्रेरी में ग्रेड टेन के लिए एंड ग्रेड नाइन्थ के लिए दोनों के लिए आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो

तो बस और कुछ नहीं करना है तो आर यू गाइज रेडी फॉर द टेस्ट सीरीज नहीं रजिस्टर किया है तो जल्दी से रजिस्टर कर लो बाई बोर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट पेपर आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो मेक श्योर sure करना कि आप रजिस्टर कर लो एंड साथ साथ में आपको एक और चीज बता दूँ कि अब आप लोग रेडी हो वो टाइम टेबल जानने के लिए कि कैसे आपको अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन इसी पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो करके करनी है चलो तो लेट स्टार्ट आवर सेशन कि भाई डेट शीट आउट हो गई है टाइम टेबल कैसे सेट करना है सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगी कि फर्स्ट एग्जामिन योर प्रेजेंट एकेडमिक शेड्यूल एंड हाउ यू यूज योर फ्री टाइम देखो अगर आपका स्कूल जो है अभी भी ऑन गोइंग है अगर आपका स्कूल जो है अभी ऑन गोइंग है तो मतलब मैं कहूंगी कि अगर ऑन गोइंग है तो आप स्कूल के साथ अपने उस फ्री टाइम में कैसे अपनी पढ़ाई को एडजस्ट कर सकते हो वो चेकआउट करो उसके लिए आपको क्या करना है खुद का लेवल चेक करना है कि कितना सिलेबस आपका कंप्लीट है आप नील बटा सन्नाटा हो जीरो हो या फिर आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है कुछ बहुत पार्ट ही रह गया अगर आप नील बटा सन्नाटा हो तब तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ जाएगा और अगर आपने अच्छा खासा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप वो फ्री टाइम जो आप स्कूल नहीं जा रहे हो या स्कूल जाने के बाद जो आपका टाइम बच रहा है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो तो स्टार्ट करोगे आप लोग अपनी ही स्ट्रैटी के साथ वो है ये कि सबसे पहले हमें वो पार्ट कंप्लीट करना है सिलेबस का जो हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है जो हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है उसके लिए सबसे अच्छा सोलूशन बताऊंगी हर एक सब्जेक्ट का हर देखोगे ना तब भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो भाई इतने कम टाइम में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है विद क्वेश्चन के साथ क्योंकि भाई एनसीआर पार्टी के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी से ही पेपर बनता है तो अगर वो भी कंप्लीट हो जाएंगे साथ में तो कोई भी बिग डील नहीं होने वाली है जहां आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया जहां आपने सिलेबस कंप्लीट किया अब खुद को चेक करो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है कौन सा सब्जेक्ट वीक है जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उस पर मतलब कम टाइम दे सकते हो बहुत ज्यादा कम नहीं करना है बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है और वो सब्जेक्ट जो आपका काफी ज्यादा काफी ज्यादा वीक है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो जैसे मैथ्स है मैथ्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कोई बेड़ा पार नहीं होने वाला भाई मेरे जैसे बच्चों का जिनकी मैथ्स तो खत्म

वीक है उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम डिसाइड करो एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आपको बोलूंगी वो है आपका पी वाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने लगा सकते हो लगा लो खतरनाक जितने लगा सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ इससे जितना अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा ना मुझे नहीं लगता कोई भी और चीज़ आपको हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो तो अगर सेशन पसंद आया हो तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो उसका लिंक भी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग सेशन के डे टू डे अपडेट्स डेली मिलते रहे और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो खुशबू डैश भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में तो भाई एन टेक केयर